हेलो एवरीवन, सो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आर्टिकल नंबर 139, जो कि बात करता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अपन पावर दे सकते हैं टू इशू सर्टेन रिट्स। तो इस सेक्शन में बात इस आर्टिकल में जो बात करी है, सेक्शन नहीं कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है इसमें सारी जो भी बातें लिखी हुई हैं इनको सबको आर्टिकल्स कहते हैं। तो जो आर्टिकल 139 है इसमें लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट अगर लॉ बना देती है तो वो लॉ बनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट को पावर दे सकती है कि वो कोई भी डायरेक्शन, कोई भी ऑर्डर या कोई भी रिट, कोई भी डायरेक्शन, कोई भी ऑर्डर या कोई भी रिट इनको इशू कर सकता है। वो ऐसी पावर दे सकती है लॉ बना के, पार्लियामेंट दे सकती है सुप्रीम कोर्ट को। तो अगर मैं कहूँ कि डायरेक्शन कैसी हो सकती है, तो डायरेक्शन का बेसिकली मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट किसी को भी डायरेक्ट कर सकता है कि आपको इस तरह का कार्य करना चाहिए, इस तरह का नहीं करना चाहिए, या फिर कुछ गाइडलाइंस वगैरह बनाने की बात आ जाती है कि इस तरह का होना चाहिए, डायरेक्शन दे रहा है। ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई ऑर्डर देना चाहे एक्स्ट्रा कि ये चीज़ ऐसा होना चाहिए या चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब जो कानून में नहीं लिखा हुआ हो, कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं बनाओ, लेकिन अगर पार्लियामेंट ने लॉ बना के दिया है तो और उससे रिलेट करती हुई चीज़ है, तो वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट दे सकते हैं। और रिट्स, तो रिट्स जो है, रिट ज्यूरिडिक्शन बेसिकली क्या होता था, होता है, अभी भी होता है, आर्टिकल नंबर जो 32 है, जो सुप्रीम कोर्ट में आप रिट लगाते हैं, जो रिट ज्यूरिडिक्शन की बात करता है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट जो कि आर्टिकल नंबर 14 से लेके और 32 तक दे रखे हैं, अगर 35 तक हैं ये, तो आर्टिकल नंबर 14 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स आपके दे रखे हैं। तो अगर कोई भी आपका इनमें से कोई भी राइट जो ब्रीच होता है, जो ये कॉन्स्टिट्यूशन के जिसमें आर्टिकल्स दे रखे हैं, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सेम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, उसके लिए आर्टिकल नंबर 226 दे रखा है। तो बात ये आती है कि जो 139 में जो रिट्स दे रखी हैं, इसमें लिखा हुआ है रिट्स इन द नेचर ऑफ हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो और सर्श्योरी और एनी ऑफ देम। तो ये जो है पार्लियामेंट दे रही है, सुप्रीम कोर्ट दे रही है लॉ बना के। अब बात आती है इनका मतलब क्या है। तो हैवियस कॉर्पस का सबसे पहले जो है, हैवियस कॉर्पस का मतलब आता है टू हैव ए बॉडी, मतलब अगर कोई व्यक्ति को इलीगली डिटेन किया हुआ है, किसी को पकड़ के रखा हुआ है, बंद किया हुआ है कमरे में, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं उसको छुड़वाने के लिए कि अगर इसको गलत तरीके से बंद किया हुआ है साहब, क्योंकि वहाँ पे आपका राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जो है वो वॉयलेट हो रहा है। आर्टिकल नंबर जो 21 है वो आपका वॉयलेट होता है। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। वी कमांड का मतलब ये है कि जो सुपीरियर अथॉरिटी है वो लोअर जो अथॉरिटी हैं, जूनियर जो अथॉरिटी हैं, उनको कहती हैं कि हम ऐसा कह रहे हैं इसलिए आपको ऐसा फुलफिल करना पड़ेगा। तो अगर जो जूनियर अथॉरिटी है वो कोई काम गलत करते हैं या इनकंसिस्टेंट करते हैं या उनके ज्यूरिडिक्शन में नहीं होता है, तो सीनियर अथॉरिटी उनको कमांड देती है कि आप इस तरह का कार्य कर रही है। तो ये किसी भी तरह का काम हो सकता है, तो इसमें कोई सा भी आपका राइट जो है वो वॉयलेट हो सकता है। आर्टिकल 19 भी वॉयलेट हो सकता है, आर्टिकल 14 भी वॉयलेट हो सकता है इस चीज़ में। तो इनके लिए सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं और हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, आर्टिकल 226 जो मैं बता चुका हूँ। तीसरा आता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब ये है कि अगर कोई एक्ट किया जा रहा है पब्लिक सर्वेंट के द्वारा या कोई अथॉरिटी के द्वारा, तो उसको प्रोहिबिट किया जा सकता है, उसको बंद करवाया जा सकता है कि आप ये जो एक्ट कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। तो प्रोहिबिशन के लिए भी आप सुप्रीम कोर्ट में रिट लगा सकते हैं अगर आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है, तो वो है आर्टिकल नंबर 32 उसमें जो बात लिखी है उसके लिए। क्यों वारंटो का मतलब होता है वाई वॉट अथॉरिटी, कि आप किस अथॉरिटी में ये काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है, उसकी पोस्ट है, अब वो पोस्ट पे है या नहीं है, या पोस्ट पे जो है उसकी इतनी क्वालिफिकेशन है या नहीं है, तो क्यों वारंटो रिट इशू करके सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकता है कि आप किस अथॉरिटी से इस पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं। तो जो अथॉरिटी होल्ड कर रही है उस पोस्ट को, क्या वो सही होल्ड कर रही है नहीं कर रही है, ये सारा जो है डिसीजन सुप्रीम कोर्ट देता है। फिर आता है सर्श्योरी। सर्श्योरी बेसिकली क्या है कि एक तरह का एग्जामिनेशन होता है हायर कोर्ट्स के द्वारा लोअर कोर्ट्स के ऊपर, या हायर ऑफिसर्स के द्वारा लोअर ऑफिसर्स के ऊपर, कि जो उन्होंने काम किया है क्या वो सही किया है, कहीं गलती तो नहीं रह गई उनके काम में, जो लोअर कोर्ट्स ने जो काम किया है वो कहीं गलत तो नहीं है, या लोअर जो ट्रिब्यूनल्स हैं या जो भी हैं सुपीरियर कोर्ट के नीचे जो भी अथॉरिटीज़ हैं, उनने जो काम किया है वो सही तो किया है, गलत तो नहीं किया है, तो इसके लिए सर्श्योरी रिट अप्लाई होती है। तो आर्टिकल जो 139 है इसको बनाने का पर्पस ही यही था कि फंडामेंटल राइट को वॉयलेट होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जो कि आर्टिकल नंबर 32 में। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट आपका वॉयलेट नहीं है लेकिन आपका कोई अदर राइट वॉयलेट होता है, तो भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 139 के साथ में। तो सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है पार्लियामेंट के द्वारा कि वो कोई भी डायरेक्शन, कोई भी नोट ऑर्डर और कोई भी रिट
इशू कर सकता है इन सारे मैटर्स में जो फंडामेंटल राइट के अलावा भी हैं। तो अगर फंडामेंटल राइट के अलावा भी कोई आपका राइट वायलेट हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं डायरेक्ट, बिना किसी लोअर कोर्ट में जाए। तो ये है आर्टिकल नंबर 139। थैंक यू।